हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम आए स्विफ्ट VXI मॉडल के ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इशू को रिजॉल्व करने। मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगा इसकी स्टार्टिंग में। मेनली क्या होता है, स्विफ्ट VXI मॉडल के ब्लूटूथ कनेक्ट करने में काफी इशू आते हैं, वो कनेक्ट नहीं होता है। हम सारे स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं, उसके बावजूद भी ये कनेक्ट नहीं होता है। तो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, जब आपकी गाड़ी रनिंग कंडीशन में होती है मेनली, उस वक्त आप ब्लूटूथ जब कनेक्ट करना चाहते हो तो वो नहीं होगा। 99% चांसेस होते हैं कि वो कनेक्ट नहीं होगा। वो एक इशू है। अगर आपकी गाड़ी खड़ी है कहीं तो आप जब कनेक्ट करते हैं तो बड़ी ही फास्ट, मतलब वो कनेक्ट हो जाएगा। और जो उसका प्रोसेस है कनेक्ट करने का वो आपको मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बंद कर लेते हैं, इसको प्रेस करेंगे फर्स्ट बटन को तो ये बंद हो जाएगा सिस्टम। अब इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा। अभी ये बीटी ए नो ऑडियो लिखा हुआ गया, तो हमें ब्लूटूथ के बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा ब्लूटूथ सेटअप, तो हमें इस लेफ्ट वाले बटन को दोबारा से प्रेस करना है। यहाँ लिखा जाएगा ब्लूटूथ सेटअप ब्लूटूथ, तो उसको दोबारा से हमें प्रेस करना है। तो यहाँ पे ब्लूटूथ पेयरिंग लिखा हुआ जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको दोबारा प्रेस करते हैं तो इसमें लिखा जाएगा कार ऑडियो पास की। कार ऑडियो सर्चिंग जब लिखा आएगा तो हमें अपना ब्लूटूथ ऑन कर देना है फोन का, जैसा कि मेरा ऑन है। मैं एक बार दोबारा से बंद करके दोबारा ऑन करता हूँ इसको, ठीक है। पेयर न्यू डिवाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी सिस्टम हमारा कार ऑडियो सर्चिंग कर रहा है। और ये फोन में नहीं आया, तो आप भी देख सकते हैं मेरे फोन में कार ऑडियो के नाम से ये आ गया। तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ पेयर विद कार ऑडियो पेयर, अभी मेरा फोन से कनेक्ट हो गया। तो बेसिक यही अपना प्रोसेस है। बट एक जो टिप मैंने आपको दी है कि गाड़ी आपकी रनिंग कंडीशन में है तो मेनली चांसेस हैं कि आपका ब्लूटूथ नहीं कनेक्ट होगा, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तब भी। तो हो सके तो आप गाड़ी नॉर्मल कंडीशन में ही फॉलो इसको कनेक्ट करने की सोचिए। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।